तो बड़े भाई ने मेरे को गाली दिया, बोला मैं तेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं करता था कि तू इतने नीचे हद तक गिर जाएगा, एक औरत के चक्कर में शादी करने के लिए तू चेकबुक में साइन करके दे देगा। बाद में पता लगा कि वो मेरी सास से, मेरा चचेरा भाई जाके मिल करके दो चेक लेके आ गया, और इसने भी उसी चेकबुक के दो चेक फर्जी हैं। तो मैं न्यायालय से ये निवेदन करता हूं कि न्यायालय कानूनी कार्रवाई करे और दिल्ली पुलिस को निर्देश दे न्यायालय कि इनको, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और अगर ऐसा नहीं करती न्यायालय तो मुझे फांसी लगा के आत्महत्या करना पड़ेगा, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है। तो इसलिए न्यायालय से, अब तुम्हारे पास पूरा हो गया जी, आगे से इतना कहना नहीं, फांसी लगाना, फांसी लगाना हो तो कोई रोका नहीं है, ठीक। यहाँ बहस करने के लिए आयो, मैं न्यायालय से, मेरा यहाँ मैं अपनी, हम तुम मैं अपनी पीड़ा न्यायालय से सुना सकता हूँ, तुम्हारी पूरी बात सुन रहे हैं। पुलिस बहस अपना जो है शॉर्ट में जितना जरूरी है उतना बताइएगा, लेकिन कहानी नहीं बताना है पूरा। अच्छा, जितना जरूरी है वो आपका ही है, आपको वो अधिकार है, लेकिन बहस बहस तक ही रहना चाहिए। मैं हमारी बात पहले सुन लीजिए आप जी, बहस बहस तक रहेगा तो सुनेंगे जी, जो लगेगा कि फालतू की बात करने लगेंगे, पर्सनल कमेंट करने लगेंगे, तो फिर आपको हम बाहर कर देंगे इस केस से। हमारी बात सुन लीजिए पहले आप, बहस बहस तक करिएगा, वकील साहब के ऊपर चाहे किसी के ऊपर कोई पर्सनल वो नहीं करिएगा, अपना बहस करिए, आपकी बहस जो जितना होगा उतना सुनेंगे। चलिए, दांडिक परिवार क्रमांक 14/6/94/2017 एवं दांडिक परिवार क्रमांक 18/21 पूरा पढ़ना है क्या आपको? है? पूरा पढ़ना है तो हम भी पढ़ लेंगे, आपको मेन चीज वो बताइए। अच्छा, पूरा पढ़ के सुनाइए, मेन चीज वो बता दी। हाँ, मेरी मेन चीज ये है, हाँ, कि मेरी चेकबुक मेरी सास ने चोरी कर ली थी 2003 में। इस बात का कब पता लगा मेरे को? 2004 में। नहीं है, जो भी हो उसका, जो भी हो उसका राइट है, उसको बोल दीजिए, जिसका जो राइट है जैसा, उसको जो चेक बुक की वो सुनने के लिए ही, जो चेक बुक थी, चेक बुक में मैंने साइन करके रखे थे, और इसलिए रखे थे कि मेरी जो पहली पत्नी थी उसने भरण पोषण की दावा करने के लिए उसने दावा कर दिया था। तो एपी पांडे एडवोकेट कटनी, उन्होंने, मेरी सास ने एपी पांडे एडवोकेट के पास ले गई थी, और वो सलाहकार गोई थे, और उनको सारी बात मैंने बताया कि हमारी शादी हो चुकी थी, मेरी 5-6 साल की एक लड़की है, और लड़की जो है लड़की को छोड़ करके वो मायके में 1 साल से रह रही है, और जब मैं लेके लड़की को गया तो लेके आने के लिए तैयार नहीं, और अब जब ना लड़की को रखने के लिए तैयार, ऐसी स्थिति में जब दूसरी शादी करने की बात करनी पड़ी तो लक्ष्मी बाई और दिनेश पटेल लड़की के पिता, भारती के पिता, वो एडवोकेट एपी पांडे के घर ले गए थे, राधिका राधिका होटल बस स्टैंड कटनी में उनका घर है, तो वहां ले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी पहली पत्नी भरण पोषण के लिए दावा करेगी, और पहली पत्नी को उन्होंने फोन करके भी बताया कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। तो अब तो उससे पहली पत्नी को उकसा करके इन्होंने उससे दावा करवा दिया, और दावा करवा करके अब मेरे को उसने बोला धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए ये जब दावा करेगी तो तू दिल्ली में अपना व्यापार करेगा या केस लड़ने के लिए कटनी आएगा। तो मैंने बोला तरीका बताइए कि ना आना पड़े, उसका क्या तरीका है? उन्होंने बोला एक काम करो, तुम चेक बुक में साइन करके, अरे लक्ष्मी बाई जा रही अपनी लड़की के साथ दिल्ली से शादी करेगी, और शादी करके जब आएगी तो वो चेक बुक इसको दे देना, तो ये लाके मेरे को दे देगी, और मैं ये चेक में तुम्हारी जो पहली पत्नी के लिए न्यायालय, जो कटनी न्यायालय जो है, भरण पोषण के लिए राशि जो दावा पेश करेगी उतना अमाउंट भर के तुम्हारी पहली पत्नी को कोर्ट के समक्ष ये चेक भर करके दे दिया करूंगा, तो इसको भरण पोषण की राशि मिलती रहेगी, और तुम आराम से शादी करके, लक्ष्मी बाई की लड़की भारती के साथ शादी करके आराम से तुम दिल्ली में रहना। अब जब मैंने पता किया कि मेरे जो चेक दस्तखत करा करके ये ले गई थी ब्लैंक चेक, तो ये चेक मेरी पहली पत्नी को दिए कि नहीं दिए धारा 125 में मेंटेनेंस के लिए, ये दावा किया था, ये दावा किए कब? तो जब मेरे को ये पता लगा कि जो मेरी पहली पत्नी का जो अधिवक्ता आरती चतुर्वेदी है, उन्होंने उन्होंने वादी की तरफ से ये निवेदन दिया कि वादी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा, और उनका आवेदन को निरस्त करा दिया मेरी पहली पत्नी के अधिवक्ता ने, मतलब मेरी पहली पत्नी को भरण पोषण की राशि जो देनी के लिए, मैं सोचा है केस चलेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी, और जितना ऑर्डर करेगी उतना अमाउंट भर के दे दिया करना वकील साहब, ये कह करके हमारी बात हुई थी।
तो मैं उसी वादे के मुताबिक मैंने चेक बुक में साइन करके दे दिया। अब जब लक्ष्मीबाई सास ने वो एपी पांडे को चेक बुक ना दे करके वो अपने पास रखी रही, और जब मैं घर आया, जब मैं गांव आया तो ये मेरे गांव की जमीन में खेती करने के लिए जाने लगी ट्रैक्टर लेके। गांव वाले ने जब बताया तो मैंने बोला कि भाई एक बात ये बताओ कि मैंने शादी तुम्हारी लड़की से किया है, ना कि तुम मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में क्यों नजर डालती हो। तो वो कहती है मैंने अपने फायदे के लिए शादी किया है, और मैंने अपने फायदे के लिए शादी किया है, अब मैं तेरे को ऐसी जगह खड़ा कर दी हूँ कि तेरे को आत्महत्या करने के सिवा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। वो मुझे और वो मेरे, तो जब उसने ऐसा बोला तो मैं दिल्ली वापस गया। मैं पत्नी को, भारती पटेल को, मैंने बोला तेरी माँ की नियत ठीक नहीं है। तो जो कोरे स्टाम्प में चेक बुक में हिंदी में उसने साइन करा लिया था, तो अब उसका तो इस्तेमाल ये गलत तरीके से करने जा रही है, तो तू ऐसा कर कि ये सारे दस्तावेज इसे वापस ले ले। ये आई मेरे साथ में भारती पटेल मई 2004 में, और जब आई और उसने अपनी माँ से बात की, और उसकी माँ ने मेरे को 1 किलोमीटर दूर मेरी सास का घर था, नानी सास के यहाँ, वहां भेज दी। मैं उधर रहा, रात में माँ बेटी की आपस में जो भी चर्चा हुई, और मैंने जब सुबह आया ससुराल में तो मैंने पूछा पत्नी से कि वो चेक बुक स्टाम्प हुंडी वापस करी कि नहीं तेरी माँ, तो तेरी माँ की नियत ठीक नहीं है। तो कहती है मेरी माँ नहीं दे रही है, और ऊपर से वो सास कहती है कि ना मैं लड़की को भेजूंगी और ना मैं ही ये दस्तावेज वापस करूंगी। और बोली कि अब वो ऊपर से मेरी पत्नी को, मेरा ससुर दिनेश पटेल और मेरी पत्नी मेरी सासु माँ लक्ष्मी बाई पटेल लड़की की बाह पकड़ के और जंगल तरफ ले जाने लगी, कलवारा जंगल तरफ। तो मैंने बोला तुम्हारा मकसद क्या है, तो बोले कि मेरी लड़की ने एक्सपायर डेट की गोली खा के पेट में बच्चा खत्म कर दिया, तो तेरे को मरवाने में कितनी देर लगाएगी। तो मैंने बोला मुझे मरवा के तुझे क्या फायदा मिलेगा। तो सास ने काम के हिसाब से बताइए, बाकी पूरा फैक्ट नहीं, जो नहीं इसी केस से रिलेटेड चीज है, इसी केस से रिलेटेड चीज है। तो कहती है जब तक तू मरेगा नहीं तब तक तेरी प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी नहीं। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला मैं जो कमाता हूँ मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कमाता। और कहती है मैं तेरे को ऐसी जगह खड़ा कर दिया हूँ कि तेरे को फांसी लगा के आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। बोले पहली औरत के रहते हुए तूने दूसरी शादी किया है, तो धारा 494 के तहत मैं तेरे को 7 साल के लिए अंदर करा दूंगा। और बोले जैसे तू जेल के अंदर गया, तेरा बाप 80 साल का 75 साल का है, तेरे बाप को मैं छुरा भोग दूंगा, तेरे बाप का जब मर्डर हो जाएगा और तू 7 साल जेल में रहेगा तब तक मैं तेरी प्रॉपर्टी जो है तेरी प्रॉपर्टी दूसरे को बेच दूंगी, और क्योंकि तेरे न रहने के बाद मैं ये कागजों में जिनमें दस्तखत करा इन कागजों के माध्यम से तेरी प्रॉपर्टी लड़की के नाम में करा लूंगा, और लड़की से ये प्रॉपर्टी मैं अपने लड़के के नाम में करा लूंगा, और लड़की को भेज दूंगा दूसरी जगह, तो लड़की को दूसरा आदमी मिल जाएगा, मुझे दौलत मिल जाएगी। पूरा कहानी वहां वाला नहीं बताइए, इसमें आर्गुमेंट करिए, इस पॉइंट पर आइए। हाँ चलिए, तो पॉइंट, तो जब उसने ऐसी बकवास करी तो मैंने तत्काल एक लिखित शिकायत पुलिस थाना मंदिर मार्ग को स्पीड पोस्ट के जरिए 9/6/2004 को मैंने लिखित शिकायत कटनी से ही भेज दिया, और दैनिक मध्य प्रदेश कार्यालय में समाचार पत्र कार्यालय कटनी जाकर के वहां पर मैंने 10/6/2004 में प्रकाशन कराने के लिए 9/6/2004 को मैंने शुल्क 600 रुपए जमा किए आम सूचना प्रकाशित कराने के लिए। मैंने बोला तुम जब मेरे को धोखा दे रही हो तो ये तो मैं अपनी लड़की के साथ शादी करने के बाद इस तरह से षड्यंत्र रचना ये शोभा नहीं देता। कहती है मैं अपना मकसद कामयाबी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने तत्काल स्टॉप पेमेंट के लिए एप्लीकेशन जीपीओ नई दिल्ली 1 को भेज दिया, और मैंने दिल्ली जाकर के फिर थाने में मैंने पूछा कि मैंने जो 9/6/2004 को लिखित शिकायत पुलिस को भेजी है उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। तो पुलिस ने कहा कि तुम जो शिकायत भेजो वो शिकायत दिखाओ कौन सी है। मैंने दिखाया तो उन्होंने 24/7/2004 को उन्होंने रिसीविंग दी, और मैंने अपने जीपीओ जाकर के गोल्ड डाकखाना पोस्ट ऑफिस नई दिल्ली 1 जाकर के मैंने 3/7/2004 को मैंने अपना खाता बंद करा दिया। अब मैं इस ये सारी कार्रवाई करने के बाद मेरी सास ने मेरे खाता नंबर 84/88/77 के एक चेक को 26/63/77 नंबर में 1,00,000 रुपए भरकर मेरे खिलाफ दावा कर दिया। उसने कहानी ये बनाई कि मैंने दवान को 1,00,000 रुपया नकदी दिया था, और जब ये मैंने इससे पैसा मांगा तो इसने मेरे को पैसा वापस नहीं किया, मुझे चेक दिया, ये मेरे साथ चीटिंग किया है। जब मुकदमा चला, मुकदमा चलने के दौरान जब मैंने सारी चीजें न्यायालय ने देखी तो लोअर कोर्ट ने मेरे खिलाफ फिर भी ऑर्डर कैसे कर दिया कि जो 10/6/2004 का प्रकाशन था उसको 10/6/7 न्यायालय लिखती है,
और 3 साल बाद की डेट, और न्यायालय लिखती है कि प्रकरण न्यायालय में पहले प्रस्तुत हो गया और प्रकाशन 3 साल बाद हुआ, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, और मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया। जब मैंने अपीली कोर्ट J.R. बच्चन साहब की अदालत में मैंने उसकी अपील की, तो अपीली न्यायालय ने जब उस मैटर को देखा और बारीकी से जब अध्ययन किया तो पता लगा कि मुझे दोष मुक्त किया। और उसी समय मेरे चचेरे भाई को, मेरे चचेरे भाई को पूरी जानकारी थी कि मेरा सास का मेरे से विवाद चल रहा है, और मेरे चचेरे भाई को पूरी जानकारी थी कि मेरी चेकबुक मेरे सास को कैसे मैंने दस्तखत करके दिया। मेरे मैंने ही खुद बताया था चचेरे भाई को, और मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा कर दिया, अब ये मेरे साथ षड्यंत्र रच रही है। तो बड़े भाई ने मेरे को गाली दिया, बोला मैं तेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं करता था कि तू इतनी नीचे हद तक गिर जाएगा, एक औरत के चक्कर में शादी करने के लिए तू चेकबुक में साइन करके दे देगा। तो मेरे को तो गाली दे रहा था। फिर बोले कि तुम ऐसा कर, तू केस लड़, और वो कहां तक लड़ेगी। मैं उससे केस लड़ता रहा। बाद में पता लगा कि वो मेरी सास से मेरा चचेरा भाई जाके मिल करके 2 चेक लेके आ गया, और इसने भी उसी चेकबुक के 2 चेक 79-26-63, 79-26-63-80 इसने लगा दिए। ठीक हो गया। हाँ, और ये फर्जी वचन पत्र तैयार किया है, फर्जी वचन पत्र तैयार करके, और ये साबित करना चाहता है कि इसने मेरे घर में आकर के चेक दिया। इसके ये फर्जी वचन पत्र है, जितने गवाही हैं वो सारे फर्जी हैं। तो मैं न्यायालय से ये निवेदन करता हूँ कि न्यायालय कानूनी कार्रवाई करे और दिल्ली पुलिस को निर्देश दे न्यायालय कि इनको, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और अगर ऐसा नहीं करती न्यायालय तो मुझे फांसी लगा के आत्महत्या करना पड़ेगा, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है। तो इसलिए न्यायालय से, हमारे पास पूरा हो गया जी, आगे से इतना कहना नहीं, फांसी लगाना, फांसी लगाना हो तो कोई रोका नहीं है। ठीक, यहाँ बहस करने के लिए आया हूँ मैं न्यायालय से, मेरा यहाँ अपनी, हम तो मैं अपनी पीड़ा न्यायालय से सुना सकता हूँ। तुम्हारी पूरी बात सुन रहे हैं, पुलिस को मैंने सुनाई, सुन रहे हैं जी, ये धमकी और फांसी थी, ये करना हो तो तुम बात क्या करना, तुम्हारी बात सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं, हाँ, सबका काम रोक कर तुम्हारी बात सुन रहे हैं। तो मेरे ये जो दस्तावेज हैं ये जब्त कराने के लिए पुलिस को निर्देश दे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। ये हुंडी का एक, ये भी पेपर उसी पेज का, एक पेपर किताब का फाड़ करके दी थी, और इसी तरह के पेपर में इसको उसमें लगाकर आवेदन के साथ उसको पेश करना है, आवेदन के साथ, आवेदन के साथ जी, आवेदन के साथ पेश करना, तब उसको लेंगे जी। ठीक, अगले हफ्ते तारीख देखो, पेश करिए आवेदन के साथ उसको जी, उसके बाद तब उसके साथ ले लेंगे। तो उस दिन और वो जो प्रतिकर राशि की रसीद न्यायालय को जो नहीं मिली थी, वो प्रतिकर राशि की रसीद पे पेश कर दिया उसमें है। अब हाँ, तो पेश वो रसीद तो है, मेरे अधिवक्ता ने अपने फाइल में स्टेपलर करके रखी थी, उसकी फोटो कापी मैंने न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है, उसके साथ इसी को दे दीजिएगा। जब उसको पेश करिए तो उसके साथ इसको उसी समय दे दीजिएगा। अच्छा, उसी समय, इसको भी चाहे उसी के साथ लगा दीजिए जी जी जी। ठीक जी, चले आगे बढ़े। अगर मैं कल पेश कर दूं और कल सुनवाई कर लिया जाए तो, कल आप पेश करिएगा तो उनको काफी देना पड़ेगा, तो उनको हम तत्काल काफी दे देंगे। एडजस्टमेंट है हमारा सर, कल है, कल का एडजस्टमेंट है मेरा, तो पेश करिए परसों के, परसों के लिए कर दिया, कोर्ट बंद रहेगा, आपकी सुविधा से ही तारीख देंगे हम। हम कल सुबह फाइलिंग कर देते हैं और कल हम इनको एक कॉपी दे, कल आपको फाइल करिए, उसके बाद देखते हैं तारीख दे। चलिए जी, दूसरा काम करिए। आइटम नंबर 59 है, कंसर्निंग मेंटेनेंस के संबंध है, एंट्री मेंटेनेंस हमें मिल रहा था, फाइनल में उन्होंने एक रीजनिंग दे के हम अपने मन से इधर रह रहे हैं, डिसमिस कर दिया सर।